ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा में सरकार पर ताबड़तोड़ हमले करने के बाद सुजयपुर पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं विधायक राजेंद्र राणा का ग्राम पंचायत चारियन दीधार के पुरली गांव में आयोजित एक समारोह के बीच जबरदस्त नागरिक अभिनंदन किया गया। राणा ने अपने क्षेत्र में पहुंचते ही बीजेपी को एक और तगड़ा झटका दिया है। इस नागरिक अभिनंदन समारोह में जोरदार स्वागत के बीच राणा ने सैकड़ों लोगों को कांग्रेस ज्वाइन करवाई। सुजयपुर में अपने प्रबल जनाधार व व्यक्तिगत रसूख प्रभाव के चलते विधायक राणा पहले भी लगातार बीजेपी के लोगों को कांग्रेस में शामिल करवाते आ रहे हैं। विधानसभा में सरकार पर ताबड़तोड़ हमले करने के बाद सुजानपुर पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं विधायक राजेंद्र राणा का ग्राम पंचायत चारियन दीदार के पुरली गांव में आयोजित एक समारोह के बीच जबरदस्त नागरिक अभिनंदन किया गया। राणा ने अपने क्षेत्र में पहुंचते ही बीजेपी को एक और तड़का झटका दिया। इस नागरिक अभिनंदन समारोह में जोरदार स्वागत के बीच राणा ने सैकड़ों लोगों को कांग्रेस ज्वाइन करवाई। सुजानपुर में अपने प्रबल जनाधार व व्यक्तिगत रसूख प्रभाव के चलते विधायक राणा ने पहले भी लगातार बीजेपी के लोगों को कांग्रेस में शामिल करवाते आ रहे हैं। कहना ना होगा कि सुजानपुर की राजनीति में राणा लगातार पार्टी से बड़े साबित होते आए हैं। पुरली में उमड़े जनसमूह को संबोधन देते हुए राणा ने कहा कि देश में कोरोना वायरस की दहशत के बीच मची राजनीतिक अफरा तफरी में जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाने की साजिश व षड्यंत्रपूर्ण राजनीति का दौर शुरू किया गया है, जिसमें हिमाचल भी अछूता नहीं रहा। कर्जे के पहाड़ में डूबी प्रदेश सरकार महंगाई, बेरोजगारी व विकास के मुद्दों से ध्यान हटाकर कोरोना वायरस की दहशत पर प्रदेश की जनता को खौफ ज्यादा करने में जुटी है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एहतियाती तौर पर मूलभूत कदम न उठाकर सरकार ने स्कूलों को बंद करके अपने कर्तव्य की इतिश्री करनी चाहिए। जिन लोगों ने देश और प्रदेश के लोगों को बांटने की राजनीति करते हुए देश में दंगों का माहौल तैयार किया है, उन लोगों को एक और केंद्र सरकार क्लीन चिट देने का प्रयास कर रही है, जबकि दूसरी ओर प्रदेश की बीजेपी और सरकार ऐसे भड़काऊ संवादों पर रहस्य में चुप्पी साधे हुए है। इस भव्य समारोह में राणा ने जहां क्षेत्र के लोगों को जनसमस्याएं सुनी, वहीं ग्रामीण विकास के कार्यों के लिए लाखों रुपए देने का भी ऐलान किया। राणा ने कहा कि जब से बीजेपी सरकार बनी है, तब से सुजानपुर के विकास के लिए फूटी कौड़ी नहीं दी गई है। इस अवसर पर कांग्रेस सोशल मीडिया सेल के चेयरमैन अभिषेक राणा के साथ सुजानपुर ब्लॉक के अध्यक्ष पूर्व सैन्य अधिकारी कैप्टन ज्योति प्रकाश के साथ बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों, राज्य सरकार के पूर्व अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ बेरोजगारों, युवकों की बड़ी फौज भी मौजूद रही, जबकि महिलाओं ने भी इस नागरिक अभिनंदन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस भव्य समारोह में जहां रंगड़ की पूर्व प्रधान शुमना देवी, बजरोल के उप प्रधान राकेश कुमार सहित अन्य पूर्व सैन्य अधिकारी व कर्मचारी कांग्रेस में शामिल हुए। वहीं सुजानपुर बीजेपी मंडलाध्यक्ष के गांव ब्रेड़ा से बीजेपी को छोड़कर दर्जनों लोग कांग्रेस में शामिल हुए। अपनी सीट ग्रहण करें और इत्मीनान से बैठें।